सबसे पहले तो हमें आपका परिचय चाहिए। मैं आपको मेरा परिचय दूं। मेरा नाम है क्षितिज कुमार और बहुत लोगों ने मुझे देखा होगा। जब एक वक्त था, गोल्डन पीरियड था राजस्थानी फिल्मों का, तो नीलू और मेरी साथ में एंट्री थी सुपातर वेंजनी में, और एक गाना हिट हुआ था, नकराड़ो देवरियो भाभी पर जादू कर गो। उस वक्त मैं देवर था, आज तो मैं सुसरो हूँ। बहुत प्यार मिला आप लोगों से। उसके बाद मेरी फिल्में कंटिन्यू आई, रामू चंदना, राधू की लक्ष्मी, हिस्ट्री मेकिंग फिल्म बावड़ियो पंडित, फिर पीरो भातपुरन आयो, मारी माँ संतोषी, खूब सारी फिल्में। अभी इन दिनों में मेरी चल रही है माँ, पगड़ी, सांवलिया सेठ, और करीब 12 फिल्में आने वाली है। और इस वक्त गोलचा में अनमोल भैया भी लगी हुई है, जो बहुत अच्छी जा रही है। तो आप लोगों का प्यार मिला, और ब्यावर तो विशेष रूप से मुझे ध्यान है, सीकर से जब सुपात्र बिंडी बनी थी और गोल्डन जुबली गई थी, उस वक्त हिंदी फिल्में सो गई थी। उस वक्त जो समय सीकर का था, आज मैं समझता हूँ ब्यावर के कारण से हमारी राजस्थानी फिल्में बची हुई हैं। क्योंकि अरविंद जी जब बनाते हैं, दूसरे कोई भी बनाते हैं, तो हम लोग ये सोचते हैं कि ब्यावर लगाएं तो हमारा शेर बनेगा, क्योंकि राजस्थानी फिल्में कमजोर रहती है। तो मैं ब्यावर वालों को प्यार से नमस्ते। तो राजस्थानी फिल्मों के अलावा भी आपने हिंदी फिल्मों में कुछ काम? खूब हिस्ट्री है, मैं पूरा तो वस्तु हूँ, 68 ईयर्स ओल्ड हूँ। मैं शॉर्ट में आपको बताता हूँ, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, वहाँ से फिर ऑल इंडिया रेडियो जयपुर पर 4 साल अनाउंसर रहा। वहाँ से करीब 40-50 राजस्थानी ड्रामे ऑल इंडिया में किए। उसके बाद में सीरियल्स भी किया, सपेरन सीरियल मेरी बहुत अच्छी चल रही थी जी में, 110 एपिसोड कंटिन्यू थे, 48 हिंदी सीरियल्स है वो मैंने की, और हिंदी ड्रामे लिखे किया, पूरी जिंदगी कटी है। वीडियो का एक वक्त था, उस वक्त मैंने बहुत सारी फिल्में की थी। कथाओं का वक्त था, शायद मेरे ख्याल से 2 कथा मेरी यहाँ बहुत हिट हुई थी, शनिदेव की कथा और विक्रमादित्य का। तो सारा ही विधा जो है, और म्यूजिक में मैं बताऊँ थोड़ा सा, आपका जब मुझे इतना मौका दे रहे हैं आप लोग, मैं बताता हूँ। एज ए म्यूजिक डायरेक्टर मैंने कई फिल्में की राधेश्याम के नाम से, और मैं लकी रहा हूँ कि फिल्म इंडस्ट्री के बहुत बड़े बड़े जो सिंगर रहे हुए हैं, उन्होंने मेरे म्यूजिक डायरेक्शन में गाया है। आशा भोसले, कविता कृष्णमूर्ति, साधना सरगम, कवि ये हेमलता, आपके उदित नारायण, सोनू निगम, शब्बीर कुमार, नितिन मुकेश, साधना सरगम, बहुत सारे लोग हैं। करीब करीब लता जी लास्ट में नहीं मैं ले पाया था, पैसा खत्म हो गया था, ट्रैक लिया। एक पीरियड था एज ए म्यूजिक डायरेक्टर की, उस वक्त के करीब करीब सभी मैंने जो सिंगर्स थे उनको मेरे म्यूजिक डायरेक्शन में मुझे मौका मिला, और नए सिंगर्स को भी मैंने इंट्रोड्यूस किया था। बात चलिए तो बताता हूँ, एक लड़की जिसने गाया था भरो मांग मेरी भरो, करो प्यार मुझे करो खिलाड़ी के खिलाड़ी में, वो मेरी इंट्रोड्यूस थी। आपकी गहना जो बालिका वधू में गहना बनी है, जो चेंज होके आई थी शीतल, वो मेरी इंट्रोड्यूस है। आपके सलमान जी के साथ में जिसने तेरे नाम वगैरह में किया हुआ था इंदिरा, जो राधु कृष्ण से इंट्रोड्यूस है। शुरुआती दौर में राजू श्रीवास्तव का भी मैं साथ रहा हूँ, स्टेज के दिनों में जब वो स्टार नहीं था। तो घूम फिर के ये है कि बहुत सारा काम किया हुआ है, लोग साथ आते गए, कारवां जुड़ता गया, बट ब्यावर मुझे बहुत अच्छा लगा। फिल्मों में आना आपका शौक था या कोई हादसा था या और कुछ घटना थी? शायद मैं जो कहूँगा घटना तो मान ही लेते, लेकिन मैं जो कहूँगा शायद कोई विश्वास नहीं करेगा, लेकिन ये सच है, फिल्मों ने मेरा इंतजार किया। मैंने कभी स्ट्रगल नहीं किया, कभी काम नहीं मांगा, आज तक नहीं मांग रहा हूँ। सही अर्थों में मैं आकाशवाणी जयपुर पर रेडियो अनाउंसर था 4 साल के लिए जयपुर आकाशवाणी पर, तो मुझे ऑफर आया था। मैं उससे पहले भी बताऊँ, जो कई पेपर्स में भी कभी कभी आपने पढ़ा होगा, कि मैं आकाशवाणी पर था तो मेरे एक दोस्त ने मुझे कहा कि एक फिल्म बन रही है जिसमें संजीव कुमार, अशोक कुमार ये सब लोग हैं, तो उनका अपन रोडर माइक्रोफोन, मैं आकाशवाणी पर था तो इंटरव्यू वगैरह लेते थे। उसने मुझे झूठ बोला कि वो फिल्म बन रही है संजीव कुमार और मैं वहाँ ऐसा हूँ वैसा हूँ। मैं वेल ड्रेस था, सूट वूट पहनने का मेरा शौक था। आकाशवाणी जब खत्म हुई, 9:55 का ट्रांसमिशन खत्म हुआ मॉर्निंग का, उसके बाद मैं वहाँ गया तो वहाँ मैंने देखा अशोक कुमार, संजीव कुमार, विद्या सिन्हा, सुरेश चटवाल वगैरह बहुत सारे स्टार्स थे। पहली बार मैंने स्टार्स को वहाँ देखा था, और मैंने शूटिंग का एक तरीका देखा, पानी था, लाइटिंग का था, जनरेटर वगैरह। अब आप सोचिए लोग तो क्या क्या करने जाते हैं। मैं भीड़ में था तो मुझे वासु चटर्जी डायरेक्टर थे, उन्होंने मुझे बोला इधर यहाँ से चलना, और यहाँ से चल के आके और संजीव कुमार के पास में वहाँ खड़े होना, और एक छोटा सा डायलॉग था, अच्छा चल रहा है ऐसा कुछ था, मैंने कर दिया। करने के बाद में वो मुझे बोले कि 2 दिन और लगेगा, 2 ड्रेस लेके आना, सामोद चलेंगे। अब सामोद चलने के लिए मैंने 2 ड्रेसेस ली,
मैं गया, किसी को नहीं पता कि मैं कौन हूँ, किसके थ्रू आया हूँ। और मैंने अभी अभी देखेंगे तुम्हारे लिए, तो आप देखेंगे वो विदेश में भाग के आते, मेरे घर में गिरती है और मैं सबसे आगे हूँ, क्योंकि मैं गुड लुकिंग उनकी नज़र में था, सूट वूट पहने हुए था, वो मेरा स्टार्ट था। सुबह तक मैंने आकाशवाणी पर मुझे बुलाया गया, आ जाओ। उसके बाद से कंटिन्यू, इवन इन शॉर्ट मैं आपको बताऊँ, क्योंकि प्यार वाले मुझे अच्छा लगता है तो मैं कुछ बताना चाहता हूँ। राजस्थानी फिल्मों में पैसा नहीं था, 4 साल मैं अब्रॉड चला गया, लंदन न्यूयॉर्क पूरा वर्किंग किया मैंने। और मजे की बात ये थी कि जब मैं लंदन बैठा हुआ था तो यहाँ से श्याम जी अग्रवाल का फ़ोन गया, नेवी नहीं बना रहे थे, उन्होंने मुझे कहा क्षितिज कहाँ गया, केरला एक रोड है, मैं उनका पट्टे बैठे रहूँ जो तो भूखा मरूँ, अठे जद आऊँ तो थे लोग मैंने एक तरीका से कमार कौन खा बजा। तो कहने का मतलब नसीब में जो लिखा होता है होता वो है, आपका प्रयास कुछ और होता है, बस यही है। हाँ, ये जरूर मैं बोलूँगा नई जनरेशन को, ग्लैमर और जो तड़क भड़क पैसा कि मेरी गर्लफ्रेंड बन जाएगी, हीरोइन फ्रेंड रहेगी, बहुत वर्ल्ड टूर करूंगा, पैसा आएगा, फोटोग्राफ दूंगा, भूल जाना। ये मिलिट्री की तरह से मजदूरी है, साधना है, जैसे संगीत वाले करते हैं। आपको एक्टिंग का मूवमेंट है, लाइटिंग है, लुक है, कैमरा है, आपको मार्क है, डायलॉग की डिलीवरी है, उसका अप डाउन है, सारा बहुत मेहनत का काम है, प्यारा काम है। साधना के रूप में जाओ तो सक्सेस पैसा फॉलो करेगा, अदरवाइज अगर खाली हीरो बनने के लिए जाओगे तो जीरो बन के वापस आ जाओगे। फिल्मी लाइन के अलावा भी आपका कोई करियर? करियर तो कुछ ही नहीं है, जब पैसा ऐसा नहीं आता था तो कर लेते थे। फर्स्ट फ्लाइट कोरियर का मैं इंटरनेशनल ऑपरेशन इंचार्ज था जब राजस्थानी फिल्मों में पैसा नहीं आता था। अच्छा, वो बोले है ना कि भाई आदमी की आदत कौन जावे, बांधरो को तो भी बूढ़ो हो जाओ गुलाटी तो खा भाई। तो मैं फिर पाछा हुई रामलीला में और आराम से चला। आपका जन्म स्थान? जन्म स्थान मेरा है सीकर जिले में दातारा। और अभी वर्तमान में? वर्तमान में बॉम्बे भी हूँ, वहाँ मेरा फ्लैट है, और अभी जयपुर भी शिफ्ट होने के उसमें हूँ, लेकिन अभी खूब अच्छी फिल्में आ रही हैं। आपने बीडीएन को अपना समय दिया? नहीं, एक चीज और बताना चाहूंगा, मैं प्यावर में क्यों? बिल्कुल बताइए। मेन चीज ये है, यहाँ एक हीरोइन है जो बहुत अच्छी डांसर है, एंड आई मीन इट, आई विल शो दैट, वंशिका, मैं उसको लेके एक हिंदी फिल्म में हीरोइन लॉन्च कर रहा हूँ। आज हम साथ में ही हैं, ऑलरेडी वो हीरोइन है, मेरे बिना भी उसकी अपनी अंजू मंजू चल रही है, मेरे साथ उसने मौसम में भी काम किया है। लेकिन मैं आपको बताऊँ, अगर सही वक्त साथ देता रहा तो आने वाले वक्त में प्यावर प्राउड फील कर सकता है कि यहाँ से एक लड़की निकली है और जो बहुत अच्छा काम करेगी, ऐसा मेरी आशा नहीं विश्वास है। बाकी टाइम है, आपका ये विश्वास और हमारी शुभकामनाएं सब इनके साथ है, और आप इनको और आगे बढ़ाइए ऐसी हम कामना करते हैं आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बीडीएन को समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। आपने मुझे बुलाया उसके लिए आपको बहुत धन्यवाद। क्वालिफिकेशन? क्वालिफिकेशन मैं अभी रिसेंटली स्टडीज कर रही हूँ बीकॉम सेकंड ईयर। आपके हॉबीज? हॉबीज तो मेरा बस एक ही प्रोफेशन है कि इस एक्टिंग करियर में अपना अच्छा सा नाम करना है। कितने समय से आप फिल्मी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं? कुछ विशेष उपलब्धि? विशेष उपलब्धि तो जी सब, बस अभी तो न्यूकमर हूँ, एक सॉन्ग रिलीज हुआ है मौसम मूवी का, एक अपकमिंग मूवी है अंजू मंजू, और 2 हिंदी मूवीज के लिए सर से बात हुई है, अब बस देखते हैं, आप सबका आशीर्वाद रहा तो अच्छा से अच्छा करेंगे। हमारी बहुत बहुत शुभकामना आपके साथ, और ब्यावर तो हमेशा ही नए कमर को उठाने के लिए फेमस है, बीडीएन की ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। थैंक यू।